सोलन में सिलाई कढ़ाई और पंचायत सहायिका कर्मचारी संघ की बैठक आयोजन किया गया। प्रदेश स्तर की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मीरा शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। बैठक ग्राम पंचायत डांगरी में आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में महिला सदस्यों ने भाग लिया। संघ की आने वाले समय में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, इस बारे में विस्तृत चर्चा भी की गई। वहीं संघ के सदस्यों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कौन सी मांगे प्रमुख हैं, इस बारे में सदस्यों ने अपने अपने विचार भी प्रस्तुत किए। प्रदेश सरकार के समक्ष किस तरह से अपनी बातों को उठाना है, इस पर रणनीति भी तैयार की गई। महासचिव सरिता कंवर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वे चाहते हैं कि सिलाई कढ़ाई अध्यापिकाओं को पदनाम पंचायत सहायिका होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अध्यापिकाएं गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बना रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनका भविष्य अंधकारमय है। उन्होंने कहा कि खंड स्तर पर महिलाएं आती हैं, उसके निपटारे के लिए खंड स्तर पर ही अधिकारियों के साथ त्रिमासिक बैठक होनी चाहिए। मैं सरिता कंवर, हिमाचल प्रदेश सिलाई कटाई एवं पंचायत सहायिका कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश मीडिया के माध्यम से अपनी मांग सरकार के समक्ष रख रही हूं। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जिला सोलन ग्राम पंचायत डांगरी में संपन्न हुई, जिनमें निम्न मांगों पर चर्चा की गई। हमारी जो सिलाई कटाई की बहनें हैं वो 26 साल से पंचायत में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन उन्हें मात्र 7100 रुपए ही अभी तक मानदेय मिलता है। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि हमें एकमुश्त नियमित किया जाए और सिलाई कटाई की जगह हमारा पदनाम बदलकर पंचायत सहायिका रखा जाए। हमारी पंचायत की जो सचिव के साथ मीटिंग विकास खंड में होती है, वो क्वार्टरली सिलाई कटाई अध्यापिकाओं को भी उसमें भेजा जाए, ताकि हमें भी जो ब्लॉक स्तर की गतिविधियां हो रही है वो हमें पता चले। दूसरी, जो पंचायतों में एनआरएलएम के थ्रू जो ग्रुप चल रहे हैं उसके लिए सीआरपी भेजी जा रही है, जिसकी रहने सहने की व्यवस्था को सिलाई कटाई अध्यापिकाओं के ऊपर थोपा जाता है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो सीआरपी बाहर से आके पंचायत में ग्रुप बनाती है, उनके रहने ठहरने की व्यवस्था वो पंचायत के द्वारा ही करे, सिलाई अध्यापिकाओं पर ना थोपे। और सिलाई अध्यापिकाओं को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर उन्हें जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए और उन्हें उचित पदनाम दिया जाए।